हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, UPNHM DV प्रोसेस को लेकर एक जो न्यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रुपों के अंदर यहाँ पर सर्कुलेट कर रही है, और उम्मीदवारों का कहना है कि अपने DV प्रोसेस यानी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन प्रोसेस को लेकर यह करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों UPNHM रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा उनकी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन प्रोसेस को इतना डिले कर दिया गया है कि उम्मीदवार फिर से एक बार चिंतित हो गए हैं कि आखिर NHM के अंदर इतनी कोई भी भर्ती को, चाहे वो उसकी वेटिंग की लिस्ट को लेकर हो, चाहे वो उनकी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन को लेकर हो, चाहे वो उनकी ज्वाइनिंग को लेकर हो, आखिर NHM डिपार्टमेंट इतनी डिले क्यों करती है, आखिर किस वजह के कारण। तो फिर से एक बार यह सवाल बन चुका है दोस्तों कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की प्रोसेस जो है 4 से 5 महीने तक हो चुकी है, पर अभी तक डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के प्रोसेस नेशनल हेल्थ मिशन यहां पर जो है कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो क्या यह भर्ती फिर से डीले होगी, उम्मीदवारों को अपनी पिछली भर्तियों के समय की तरह इसमें सालों इंतजार करना पड़ेगा, या NHM डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इस रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के प्रोसेस को पूरा करेगी? तो इसके बारे में क्या अपडेट आ रही है, जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है वो क्या है, ग्रुपों के अंदर लगातार इन चीज़ों की बातें हो रही हैं और लगातार उम्मीदवार इन चीज़ों को लेकर चिंतित भी हैं, तो दोस्तों क्या प्रोसेस है, कब तक होगा और NHM डिपार्टमेंट कब तक इन चीज़ों पर एक्शन लेगा, सारी जो है अपडेट आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि UPNHM के अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 5500 यहाँ पर 82 पोस्ट पर यहाँ पर जो है वैकेंसी आउट की गई थी, जिसकी रिजल्ट की प्रोसेस पूरी हो चुकी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो 5 से 4 महीने हो चुके हैं, पर अभी तक डीले है, इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिस नहीं आई है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या कहती है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, क्योंकि जुड़ जाइए, क्योंकि NHM डिपार्टमेंट की हर एक नई अपडेट या कोई नोटिस के अपडेट चाहिए तो सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से अपडेट की जाती है, और दोस्तों उससे भी पहले आप सभी को नोटिस के माध्यम से अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हर एक नई विज्ञापन की नोटिस, न्यूज इंप्लीमेंट नोटिस आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो अब दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह जो अपडेट है वो 28/3/2024 के बाद इस साइट पर कोई भी अपडेट नहीं किया गया है, और दोस्तों यहाँ पर इस नोटिस के माध्यम से मैंने आपको अपडेट किया था कि इसके रिगार्डिंग अभी तक जो है NHM डिपार्टमेंट कोई भी अपडेट यहाँ पर जो है वेटिंग को लेकर, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कुछ भी नहीं दे पा रहा है। तो आखिर क्या है, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है आप सभी के यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन का टाइम है और हर एक जगह पर आचार संहिता यहाँ पर लगी हुई है। तो दोस्तों क्या आचार संहिता में UPNHM डिपार्टमेंट कोई एक्शन लेगा, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को पूरा करेगा या नहीं करेगा? ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस आचार संहिता खत्म होने के बाद होगी, आचार संहिता खत्म होने के बाद कितने दिनों के बाद यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो एक्शन मोड में आएगा और जल्द से जल्द जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा कराएगा, तो इसमें कितना टाइम लगने वाला है, और उम्मीदवारों द्वारा जो नोटिस जो यहाँ पर जो है जो लगातार जो न्यूज़ है वो सर्कुलेट की जा रही है कि फिर से एक बार जो है NHM डिपार्टमेंट को अपने पिछले भर्तियों की तरह काफ़ी डीले हो गया हुआ था, जिसके कारण उम्मीदवारों को NHM डिपार्टमेंट के अंदर जाकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा था, क्या उसी तरह से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी में भी हमें करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल उम्मीदवारों के मन में है। तो ये सारी चीज़ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो एक्शन है, जो उम्मीदवारों द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है कि NHM डिपार्टमेंट को लेकर यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन है। दोस्तों धरना प्रदर्शन करने से कोई भी अभी आप सभी को यहाँ पर लाभ नहीं मिलेगा, अगर दोस्तों सिर्फ आप सभी को एक आश्वासन मिलेगा धरना प्रदर्शन करने से, क्योंकि दोस्तों आचार संहिता लगने के बाद कोई भी रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, चाहे वो कोई भी नई वैकेंसी हो, क्योंकि हर एक जगह अभी लखनऊ के अंदर भी आपने देखा था कि नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर जो वैकेंसी है वो भी डिले पड़ी हुई है, जबकि इसकी जो न्यूज़ पेमेंट है जो आचार संहिता से पहले ही यहाँ पर जो है विज्ञापन को लेकर जो न्यूज़ इम्प्लॉयमेंट न्यूज
जो पेपर है उसमें जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया था। पर दोस्तों अभी भी इन चीज़ों को लेकर उम्मीदवार यहाँ पर जो है कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के बाद भी उन्हें रिक्रूटमेंट बोर्ड से ही अपडेट मिल रही है कि जल्द ही इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। तो यानी कि दोस्तों आचार संहिता लगने के कारण से यहाँ पर जो है इलेक्शन के कारण जितने भी कर्मचारी हैं, यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी कर्मचारी हैं, तो यानी कि 10 कर्मचारी हैं तो उनमें से 8 कर्मचारियों की ड्यूटी अलग जगह है, जिसके कारण डिपार्टमेंट में जो भी कार्य है रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग है, रिजल्ट से रिगार्डिंग है, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग है, चाहे जो भी एजेंसियां जो इन्हें कराएंगी, उन सभी को कोई भी अपडेट अभी तक नहीं पहुँचाई जा रही है। जैसा कि वेटिंग के लिए 70,000 प्लस के उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं, SPG के अंदर यहाँ पर जो है वो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, ये सारी चीज़ अभी तक डीले के प्रोसेस में दोस्तों यहाँ पर चलेगी इन चीज़ों को लेकर। पर दोस्तों अभी धरना प्रदर्शन करने से सिर्फ आश्वासन के सिवा आप सभी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आचार संहिता जो है वो लगने के बाद वो बोर्ड किसी तरह का कोई भी परमिशन नई नोटिस के रिगार्डिंग या नई वैकेंसी के रिगार्डिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ऐसा कोई भी जो है उन्हें यह करने का अधिकार नहीं देती है, जिसके कारण रिक्रूटमेंट बोर्ड हो चाहे वो कोई भी बोर्ड हो वो आप सभी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकती है जब तक यहाँ पर जब तक इलेक्शन है। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद दोस्तों जितनी भी भर्तियाँ डीले पड़ी हुई हैं, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया है कि नर्सिंग के अंदर काफ़ी सारे यूपी के अंदर डॉट पॉइंट बनाए गए हैं जिसके कारण कर्मचारियों की संख्या कम है जिन्हें जल्द से जल्द नियुक्त करना है। पर दोस्तों आचार संहिता लगने के कारण फिर से एक बार इन वैकेंसियों पर रोक हो चुकी है, और रोक जो है दोस्तों जब तक ये सारी चुनाव की प्रोसेस है वो पूरी नहीं होगी तब तक आप सभी की चाहे वो किसी भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो कोई भी नई भर्ती हो, चाहे वो उस भर्ती के लिए नोटिस जो है न्यूज़ एम्प्लॉयमेंट में भी आ गया हो, तब भी जो है इन वैकेंसियों के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है नोटिस नहीं जारी किया जाता है, इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को नहीं जारी किया जाता है। तो उम्मीदवारों को कितना समय तक और वेट करना पड़ेगा, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के रिगार्डिंग आप सभी को आचार संहिता ख़त्म होने के बाद, इलेक्शन प्रोसेस पूरा होने के बाद कम से कम यहां पर दोस्तों 3 वीक यहां पर जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड को नोटिस, यानी कि उनके नोटिस का इंतजार करना पड़ेगा, और उस नोटिस के अंदर ही आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। क्योंकि पिछली भर्तियों में भी दोस्तों ऐसा हुआ था, पर आचार संहिता ख़त्म होने के बाद उम्मीदवारों को 2 या 3 महीना और एक्स्ट्रा ही वेट करना पड़ गया, क्योंकि कई सारी भर्तियाँ अटकी पड़ी हुई थी, नई नोटिसफिकेशन निकाली गई थी और उसके बाद ही इन चीज़ों की प्रोसेस जो है वो पूरी की गई थी। अगर अभी भी इन चीज़ों को देखें तो RHM के डिपार्टमेंट के अंदर अभी उनकी ज्वाइनिंग को लेकर, वेटिंग को लेकर, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, रिजल्ट को लेकर कई सारी भर्तियां जो है अभी भी इसके अंदर डीले पड़ी हैं, तो वो सारी चीज़ प्रक्रिया को तेज करेगा। पर दोस्तों जब तक ये आचार संहिता ख़त्म नहीं हो जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को ऑलमोस्ट आचार संहिता ख़त्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद ही आप सभी की कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो 5,502 पोस्ट की वैकेंसी थी उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा किया जाएगा दोस्तों, उससे पहले नहीं किया जाएगा। और लगातार दोस्तों उम्मीदवार यहाँ पर जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, दोस्तों वहाँ पर आप अपने ट्रेंडिंग को पूरा कर सकते हैं। पर दोस्तों रिक्रूटमेंट बोर्ड भी अगर आचार संहिता से यहाँ पर जो है इलेक्शन बोर्ड से परमिशन लेती है, अगर वो परमिट देते हैं तब, क्योंकि इलेक्शन बोर्ड ही दोस्तों यहाँ पर परमिशन नहीं देगी, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन के रिगार्डिंग और कोई भी उलझने यहाँ पर जो है बोर्ड वो नहीं चाहता है कि इसके बीच में होए, और सीधा से है जो है इलेक्शन जो है इजी तरीका से होए, भले ही आप सभी की भर्ती 1 या 2 महीने डिले कर दिया जाए दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को टाइम कम से कम रुकना पड़ेगा, और दोस्तों कम से कम यहाँ पर आप सभी के प्रोसेस के लिए यहाँ पर आप सभी को अभी भी दोस्तों कम से कम 2 महीने के प्रोसेस के लिए डिले होगा ही होगा, उसके बाद ही आप सभी की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी, इससे पहले दोस्तों होने की कोई भी चांसेस नहीं है। तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों यहाँ पर नई अपडेट आती है, अगर परमिशन मिलती है तो हो भी सकती है दोस्तों, पर दोस्तों कहा नहीं जा सकता है, और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रिगार्डिंग हमारे पास और कोई नई अपडेट आएगी तो आप सभी को जरूर से कहता। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।